सभी किसान मित्रों को नमस्कार आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं मैं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में किसान मित्रों इन्फोटेको शुक्रवार और दिनांक है उन्नीस नवंबर 2021 किसान मित्रों इंदौर मंडी की बात करेंगे इन मध्य प्रदेश की इंदौर की चौवित्राम मंडी की बात करेंगे किसान मित्रों इंदौर की चौवित्राम और मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों में और नासिक की जितनी भी तमाम मंडियां है तो तीन मंडियां इन दोनों मंडियों में आ, मतलब दोनों स्टेट की मंडियों में जो गैपिंग है 500 से सात सौ रुपए का जो गैप है वो अभी भी देखने को मिलेगा या फिर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश नासिक मुंबई दिल्ली और राजस्थान इन प्रदेशों में अभी जो बारिश का मौसम है बारिश के कारण जैसे कि अलवर का जो प्याज है अगर वहां पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं वहां का जो नासिक प्याज निकल के मंडियों में आ रहा था वो नहीं निकल के आएगा क्योंकि कोई भी किसान अपना प्याज पानी गिरने के बाद खेत से नहीं निकालेगा जिस व्यक्ति ने प्याज खेत से निकाल लिया है अगर वो गीला हो जाएगा तो उसको प्याज को सुखाने के लिए घर लेके जाना पड़ेगा उसमें समय लगेगा सुखाने में पंखे लगाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह तो उस कारण से किसान मित्रों मेरा जहाँ तक अंदाज है कि ये सिर्फ अलवर की बात नहीं है तमाम तीनों चारों स्टेट की बात है सभी जगह बरसाती प्याज होता है और ये जो बरसाती प्याज है अगर ये बरसात होती है कहीं ना कहीं तेज तो उस कारण से ये बरसाती जो प्याज है यानी कि नासिक प्याज मंडियों में आना कम हो जाएगा अगर ये प्याज मंडियों में आना कम होगा यानी कि देसी प्याज फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सकता है अब बात कर लेते हैं किसान मित्रों जो नासिक की तीनों मंडियां हैं उसमें सत्ताईस सौ से लगा के तीन हजार का रेट चल रहा है दिल्ली के आजादपुर मंडी में सत्ताईस सौ से लगा के तीन हजार का रेट चल रहा है महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अट्ठाईस सौ उन्तीसौ का रेट चल रहा है तो वही प्रदेश की तमाम मंडियां बीस रुपए से नीचे हैं मध्य प्रदेश की तमाम मंडियां बीस रुपये यानी कि दो हजार रुपए से नीचे नीचे है हो सकता है आज मध्य प्रदेश की इंदौर की चवैत्रा मंडी में हमें ये जो गैप है पाँच सौ सात सौ रुपये की वो बंद हो और हमें इंदौर मंडी में आज तेज़ी दिखाई दे क्योंकि इंदौर मंडी में अगर आवक की बात करें किसान मित्रों तो नौ बजे का समय हुआ है और इंदौर मंडी की अगर मैं आवक की बात करूं तो मात्र तिरसठ हज़ार कट्टे नासिक और देसी दोनों मिलाकर आवक हुई है 11 बजे तक के वीडियो में आपको फाइनल इंदौर मंडी का लेटेस्ट जानकारी दूंगा जिसमें मैं आपको भाव और 11 बजे तक कितनी और आवक बढ़ती है वो सभी एक्स वाई जेड जानकारी और लेटेस्ट जानकारी आपको 11 बजे वाले वीडियो में मिलेगी तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए सभी किसान मित्रों का धन्यवाद जय जवान जय किसान चैनल में पहली बार कोई जुड़ा हुआ है मेरे वीडियो में पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो उनका मेरे दोनों हाथ से निवेदन है दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा वैसे भी आप मेरे किसान दाता अन्नदाता और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे 2400 सब्सक्राइब हो चुके हैं और 5000 घंटे का वॉश टाइम हो चुका है बहुत जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है और एक अपन नई रफ्तार पकड़ने वाले हैं तो ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है आप लोगों का ही प्यार है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कहीं गलती हुई हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है बोलने में तकलीफ आ रही है इसके लिए माफी चाहूंगा धन्यवाद जय जवान जय किसान